बहुत फर्क होता है यूं साथ मुस्कुराने में, हाथ थामने में और जिंदगी बिताने में। क्या बात है भाई, इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा है, कहीं जाना है क्या? मैंने तुझे बताया था ना अपनी बचपन के फ्रेंड के बारे में। अच्छा, आज वो वापस आ रही है। क्या बात कर रहा है। सच में भाई, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी उसकी। एक काम कर, ऊपर वाले टेबल पर जा, कस्टमर आया उनसे ऑर्डर ले ले। अरे यार, कौन है वो दुनिया में जो तुझे मुझसे बढ़कर चाहने लगा, जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा। भाई भाई, वो ऊपर ही बैठी। क्या बात कर रहा है। सच में? तो तूने बात की उससे? पर उसके साथ कोई और भी है। अच्छा, तो ऑर्डर तो लेना ही होगा, जाके ऑर्डर ले ले। कौन है वो दुनिया में जो तुझे मुझसे बढ़कर जाने लगा, जिसके लिए तू हाथ मेरा एक पल में छोड़ के जाने लगा। तू सोच समझ। तुमने अपनी फ्रेंड का नाम नहीं बताया। रितिका, रितिका सिंघानिया। हाय, माय नेम इज रितिका सिंघानिया। हाय, माय नेम इज स्वराज। वेरी गुड स्वराज। कल जिस कस्टमर को आपने अटेंड किया वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। वो आपको पता है कौन है? बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, रितिका सिंघानिया। 2-3 फाइव स्टार होटल है लंदन में। सकता है क्या वो जो भी कहता है, वो सच में कर सकता है क्या मेरी तरह, वो तुझ पर हंस के मर सकता है, हंस के मर सकता है। देख, मैं रितिका को बहुत पसंद करता हूँ और हमारा स्टेटस भी सेम है। आई थिंक वो भी मुझे पसंद करती है। तूने देखा था ना मेरी कंपनी कितनी एंजॉय करती है। बस अब एक सही वक्त का इंतजार है। मैं ना रितिका को बड़े क्लासी स्टाइल में प्रपोज करूंगा। वाओ, नाइस यार। वैसे भी आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। बहुत फर्क होता है यूं साथ मुस्कुराने में, हाथ थामने में और जिंदगी बिताने। जीने मरने की बातें करके भूल जाते हैं, क्या किसी का जाए झूठे ख्वाब सा दिखाने में। तुम गलियों में अपनी बुलाओ जरा मेरे, जितने कांटे बिछाओ जरा बिना उफ किए क्या इन पे, वो भी गुजर सकता है। या वो जो भी कहता है वो सच में कर। अब हमारे बीच में सीक्रेट कब से रहने लगी? अरे मैं भी तो देखूं इस डायरी में किसका जिक्र है। अच्छा मत दिखाओ, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तेरी डायरी में और तेरे दिल में किसका जिक्र है। क्या यार, कुछ भी मतलब। बहुत प्यार करता है ना उस लड़के से तू। अच्छा बताना, ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? कुछ तो बताना, ये कहानी की शुरुआत कब से हुई? दुनिया में जो बहुत खेल लिया, ट्यूशन का टाइम हो गया है, अभी चलो। लेकिन मम्मा, मुझे अभी स्वराज के साथ खेलना है। पल में छोड़ के जाने लगा। कौन है वो दुनिया? कितनी बार कहा है तुम्हें, इस सब चीफ हरकतें मत किया करो। कर लिया ना अपनी यूनिफॉर्म गंदी। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त बनाए तुमने। सोच समझ कर चाहो से एक दिन मुझसे मिलवाओ से, मैं भी तो देखूं प्यार में वो क्या था।
भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर। तू उससे अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देता? तुझे क्या लगता है ये डायरी में लिखा हुआ उसे पता चल जाएगा? प्यार करता है ना, तो जाके अपने सामने बोल। तुझे पता है वो कौन है? नहीं। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की ना बेटी, उसके पास बहुत सारी कंपनीज, 5-स्टार होटल्स हैं, और मैं एक मामूली से कैफे में मामूली सा वेटर। अरे उसके घर के नौकर भी हमसे ज्यादा सैलरी उठाते हैं, बात करता है। अरे लेकिन रात काफी हो चुकी है, हमें घर चलकर सोना चाहिए। खामखा वो मैनेजर हम पर चढ़ेगा, चल। या प्रसाद फूड डिवाइन। ओके होल्ड ऑन मैम। फर्क होता है यूं साथ मुस्कुराने में, हाथ थामने में और जिंदगी बिताने में। जीने मरने की बातें करके भूल जाते हैं, क्या किसी का जाए झूठे ख्वाब सा दिखाने में। तुम गलियों में अपनी बुलाओ जरा मेरे, जितने कांटे बिछाओ जरा। बिना उफ किए क्या इन पे वो भी गुजर सकता है, क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है, क्या वो जो भी कहता है वो सच में कर सकता है, क्या मेरी तरह वो तुझ पर हंस के मर सकता है। अब याद रखेगा कौन किसे ये वक्त कटे कर लेने ने, फिर भी खुशियों की बारिश उस पर आंख मुझे भर लेने ने। ना शोर हुआ आवाज हुई जब जब दिल सच्चा। स्वराज, तुमने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई मुझसे? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और किस किस से नहीं पूछा, पर कुछ पता ही नहीं चला। और तो मैं हर बार तुमसे मिलती रही, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। कैसे बताता रितिका, जब बताना चाहता था तब तक तुम बहुत दूर जा चुकी थी। हाँ ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ और ये बात बताना चाहती थी, पर तुम मिले ही नहीं। तो जो कल पार्टी में हुआ वो क्या था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विजय? तुम्हें पता है ना मैं किससे प्यार करती हूँ? कम ऑन यार, जिसे तुमने 15 ईयर से देखा भी नहीं उसके लिए तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, वो जाहिल गवार। पहली बात तो जाहिल गंवार नहीं है, और वो जैसा भी है तुम सबसे बेटर है। दिखावे का स्टेटस नहीं है, यू अंडरस्टैंड? तेरी धड़कनों के जरिए